पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद सैनिकों को नीला बेड़ी कॉलेज की छात्राओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रामपुर की पूर्व ही सांसद जयप्रदा के कॉलेज नीला बेड़ी कृष्णा स्कूल ऑफ नर्सिंग की छात्र छात्राओं ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर रामपुर के स्थित गांधी समाधि से लेकर अम्बेडकर पार्क तक पैदल मार्च निकाला और हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ छात्र छात्राओं ने 2 मिनट का मौन धारण भी किया। उसी के उपरांत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शहीद हुए सैनिकों की पत्नी व बच्चों के बारे में इंसाफ दिलाने की भी बात कही। वही मौके पर रामपुर के क्षेत्र अधिकारी आशुतोष तिवारी व अन्य अधिकारी गण भी भारी पुलिस फोर्स के साथ गांधी समाधि से लेकर अंबेडकर पार्क तक मौजूद रहे और सभी मौजूदा अधिकारी गणों ने भी शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। आपका? मेरा नाम उपासना शर्मा है और मैं GNM थर्ड ईयर नीला बेड़ी कृष्णा स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ और मैं आज हमारे सभी स्टूडेंट्स ने नीला बेड़ी कृष्णा स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से हमारे शहीद जवानों के लिए अपनी भावपूर्ण मौन श्रद्धांजलि के रूप में हमने कैंडल मार्च निकाला है और हम बस यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारे देश को न्याय मिले, हमारी जनता को न्याय मिले और जो हमारे वीर जो जवान जो शहीद हुए हैं उनकी माताओं को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को और उनके परिवार को न्याय मिले ताकि उन्हें सीख मिल सके जो उन्होंने किया है वो उसका परिणाम उन्हें क्या भुगतना चाहिए। तो पाकिस्तान को कैसा वो देना चाहिए संदेश? कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल हमें उसी की तरह मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं सेना से बस यही दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी जो कुछ उन्होंने खोया है, जो हमारे देश ने खोया है वो हम पा तो नहीं सकते लेकिन हमें उसका हर जाना चाहिए, हर कीमत पे चाहिए।